हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम साहू। आज जो हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है। जिसने भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है वह देख लीजिए, जिससे ये क्वेश्चंस और ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। यहाँ पर आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखा था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको दो टेस्ट होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब यहां पर आपको बोला नहीं गया है कि किस डेरिवेटिव टेस्ट से करना है, तो यहां पर आपको जिससे भी करना हो उससे भी कर सकते हैं। ओके, तो मान लीजिए यहां पर मैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से आपको एक बार समझा देता हूं। ओके, तो यहां पर मान लीजिए मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करूंगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता था, जो भी आपका फंक्शन होता है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डेस एक्स निकाल के उसको जीरो से इक्वेट करना होता था। तो आप देखिए, आपको फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये आपका फंक्शन है। अब इस फंक्शन का आपको क्या करना होगा, एफ डेस एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो आप जब इसका एफ डेस एक्स करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2 कहां है, आगे आ जाएगा और पावर में से 1 माइनस, तो इसका मतलब 2x-1। तो इस तरीके से आपने डिफरेंशिएट करा। अब 2x-1 का डिफरेंशिएशन मतलब 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, तो इस तरीके से आपने डिफरेंशिएट करा और 3 का यहां पर डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो आप देखिए, जो आपका फाइनल एफ डैश एक्स आएगा 2 2 जा 4, देन 2x-1, तो ये आपका क्या हुआ, फाइनली एफ डैश एक्स आया है। अब आपको क्या करना होता है, एफ डैश एक्स को जीरो से क्या करना होता है, इक्वेट करना होता है। तो आपने देखा 4 2x-1 को जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो 4 जीरो में चले जाएगा, तो एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी 1/2। क्या आ जाएगी आपकी x की वैल्यू 1/2। अब इस x की वैल्यू को आपको पता है क्या बोला करते थे अपन लोग, एक्सट्रीम पॉइंट्स, मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया है। इस f(x) को जीरो से इक्वेट करना है तो x की जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट। अब आपको क्या करना होता है, जो भी आपका एक्सट्रीम पॉइंट आया उसको नंबर लाइन में एलोकेट करना होता है। तो मान लीजिए 1/2 को मैंने नंबर लाइन में एलोकेट कर दिया, 1/2 मतलब 0.5। अब मान लीजिए इस तरफ मैं बात करूंगा, जब इस तरफ तो 1/2 से इधर मतलब ये क्या है, 0। तो मान लीजिए जब मैं 0 एफ डैश एक्स में रखता हूं, एफ डैश एक्स मेरा ये रहा, जब एफ डैश एक्स में मैं 0 रखूंगा तो 2 0 है 0, -1 -1 × 4 -4, इट मीन जब एफ डैश एक्स इस तरफ क्या आएगा, नेगेटिव के फॉर्म में आएगा, काय के फॉर्म में आएगा, नेगेटिव। फिर मैंने देखा 1/2 से बड़ा नंबर, तो 1/2 से बड़ा नंबर क्या होगा, 1। तो 1 मैंने जब रखा एफ डैश एक्स में तो 2 1 जो 2 2 -1 1, तो 4। तो मतलब यहां पर जो एफ डैश एक्स है वो मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मैंने देखा यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, तो मैं कहां जा रहा हूं, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो इस कंडीशन में जो आपका x इक्वल टू जो 1/2 आया है इसको क्या बोलेंगे आप, पॉइंट ऑफ, क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या बोलना है आपको, पॉइंट ऑफ मिनिमा। इस तरीके से आपने पॉइंट ऑफ मिनिमा बता दिया, पर आपको तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बताना, तो आपको मिनिमम वैल्यू बताने के लिए ये जो 1/2 है इसको आपको फंक्शन में रखना होगा। तो आपने देखा एफ ऑफ 1/2 क्या आएगा, इज इक्वल टू, तो मैंने देखा यहां पर 2 लिखा हुआ है, 2 एक्स की जगह पर 1/2 -1 का होल स्क्वायर +3। तो आप देखेंगे 2 से 2 कैंसल, 1 -1 0, 0 का स्क्वायर 0, तो इट मींस आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 3। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, तो नेक्स्ट पार्ट देखिएगा किस तरीके से होगा। यहां पर जो आपको नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, वो आपको दिया है f(x) = 9x² + 12x + 2, इसका भी आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। तो आप यहां पर देखिए, इसे भी मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से करूंगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, आपको एफ डैश एक्स फाइंड करना होता है। तो आपने देखा एफ डैश एक्स क्या आएगा, 2 9 जा 18x, देन 12x का 12। तो इस तरीके से आपने एफ डैश एक्स फाइंड कर लिया है। अब इस एफ डैश एक्स को आपको जीरो से इक्वेट करना होगा, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू अ जीरो। तो यहां पर 18x + 12 = 0, इट मीन्स x इक्वल टू 12/18, मीन्स 6 2 जा 12 6 3 जा 18, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी फाइनली -2/3। तो इस तरीके से देखा तो मैंने जो मेरा एक्सट्रीम पॉइंट आया है वो कितना आ गया, -2/3। अब इसको जब मैं
नंबर लाइन में एलोकेट करूंगा माइनस टू बाय थ्री को, तो मैंने देखा माइनस टू बाय थ्री मतलब जीरो पॉइंट समथिंग, जीरो पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट समथिंग। तो इस तरह में जब देखूंगा माइनस वन पुट करके देखता हूं एफ डैश एक्स में, तो माइनस वन जब रखूंगा तो 18 बन जाए माइनस 18 प्लस 12, तो इट मींस जो एफ डैश एक्स इधर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। अब मैं इधर जब रखूंगा मान लीजिए वन रखता हूं, तो वन रखूंगा तो 18 बन जाए 18 प्लस 12 30, इट मींस एफ डैश एक्स इधर जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मैंने देखा यहां से यहां तक जाने में मैं पॉजिटिव नेगेटिव से क्या जा रहा हूं, पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, तो इट मींस जो x इक्वल टू माइनस टू बाय थ्री है, माइनस टू बाय थ्री है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या बोलूंगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इस तरीके से मेरे को पॉइंट ऑफ मिनिमा फाइंड आउट कर दिया है, पर मेरे को पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं निकालना है, मेरे को तो मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो ये जो माइनस टू बाय थ्री है इसको मैं एफ ऑफ एक्स में पुट करूंगा, तो यहां पर एफ ऑफ माइनस टू बाय थ्री जब मैं करूंगा तो मैंने देखा नाइन माइनस टू अपॉन थ्री का होल स्क्वायर, मतलब टू का स्क्वायर फोर अपॉन में थ्री का स्क्वायर नाइन, फिर मैंने देखा प्लस ट्वेल्व इंटू माइनस टू अपॉन थ्री प्लस टू, तो मैंने देखा नाइन से नाइन कैंसर, थ्री फोर जा ट्वेल्व देन प्लस टू, तो यहां पर मैंने देखा फोर, मैंने देखा फिर टू टू जा टू फोर जा एट, तो यहां पर जो रहेगा वो कितना हो रहा है, फोर, फोर टू जा एट माइनस एट देन प्लस टू। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो आपकी फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आप देखिए फोर माइनस एट माइनस फोर, माइनस फोर प्लस टू माइनस टू। तो इस तरीके से आपके देखिए जो मिनिमम वैल्यू आपकी फाइंड आउट हुई है वो कितनी फाइंड आउट हुई है, माइनस टू। ओके, सो हियर अवर सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। बढ़ते अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट नंबर थर्ड। अब पार्ट नंबर थर्ड देखिएगा क्या लिखा हुआ है, फंक्शन आपको गिवन है, इसका भी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, तो एफ डैश एक्स यहां पर होगा माइनस इज अ दिस कांस्टेंट, देन टू का डिफरेंशिएशन टू इधर एक्स माइनस वन, इस तरीके से आपने डिफरेंशिएट करा, देन एक्स का डिफरेंशिएट तो वन हो जाएगा, टेन का जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने डिफरेंशिएट कर दिया है, अब आपको क्या करना होगा, इस एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट करना होगा। तो आपने देखा माइनस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू अ जीरो, इट मीन्स जो एक्स की वैल्यू रहेगी वो कितनी आ जाएगी, फाइनली वन आ जाएगी। अब आपने देखा एक्स की फाइनली वैल्यू आपकी वन आ चुकी है, तो आपने देखा इसको नंबर लाइन में एलोकेट करेंगे तो वन ये रहा, आपने देखा वन से जब इधर जाएंगे तो मान लीजिए जीरो, तो मैं जब जीरो पुट करूंगा एफ डैश एक्स में, तो मैंने देखा जीरो माइनस वन माइनस वन, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, इट मीन्स यहां पर जो एफ डैश एक्स है वो क्या आ रहा है, आपका पॉजिटिव आ रहा है। ओके, अब मैं जब वन से बड़ा नंबर लेता हूं मान लीजिए टू, तो मैंने देखा टू में से वन गए वन, वन इंटू माइनस टू माइनस टू, इट मीन्स यहां पर जो एफ डैश एक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो यहां पर मैंने देखा जब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जाता हूं तो उस कंडीशन में जो एक्स जो वन है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इस तरीके से मेरे को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फाइंड आउट हो गया है, पर मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसी कारण में जो एक्स इक्वल टू वन आया है उसको मैं फंक्शन में रखूंगा, तो एफ वन रखूंगा, तो यहां पर मैंने देखा माइनस एक्स की जगह पे वन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टेन, तो मैंने देखा वन माइनस वन जीरो, देन फाइनली जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, टेन। तो इस तरीके से मैंने देखा फाइनली जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू आई है वो क्या आ गई है, टेन। ओके, तो यहां पर मेरा थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट नंबर फोर्थ ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहां पर मैंने देखा जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन दिया है, सबसे पहले इसका जी डैश एक्स निकालेंगे, तो यहां पर मैंने देखा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, देन वन का डिफरेंशिएशन जीरो। अब आपको इस जी डैश एक्स को इक्वेट करना होगा जीरो से, तो आप देखेंगे थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अ जीरो, इट मीन्स एक्स की जो वैल्यू रहेगी वो आपकी फाइनली जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ओके, तो आप देखेंगे यहां पर जब आप नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे आपका जीरो है, जीरो छोटा मतलब माइनस वन, तो मैंने देखा माइनस वन जब रखूंगा जी डैश एक्स में तो माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस, तो मतलब थ्री वन जा थ्री, मतलब यहां पर जो एफ डैश एक्स आपका रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। फिर मैंने देखा जीरो से बड़ा रखूंगा वन मान लीजिए वन का स्क्वायर वन, मतलब एफ डैश एक्स यहां पर भी जो रहेगा वो क्या रहेगा, यहां पर पॉजिटिव ही रहेगा। तो मैंने देखा पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, तो जब आपने पढ़ा था पॉजिटिव से पॉजिटिव या तो नेगेटिव से नेगेटिव जाना हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, नाइदर मैक्सिमम एंड नॉर मिनिमम। तो इस कंडीशन में आपको क्या होगा यहां पर कि ये जो कंसेप्ट रहेगा यहां पर वो आएगा आपका नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो इस तरीके से आपने यहां पर कंसेप्ट बता दिया है, और इसको एक और बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, पॉइंट ऑफ
इन्फ्लेशन। ओके, तो इस तरीके से यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। सो हियर आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.5 इज कंप्लीटेड। थैंक यू।